सूरज सर पे चढ़ाया, दुकान अब तक भी ना खुली, दूध वाला उल्टा चला गया होगा। जाके खोलूंगा दुकान, कई ग्राहक तो वापिस चले गए होंगे। हैं? देखो हाँ दुकान बंद पड़ी। मंगल भवन अमंगल हारी, लक्ष्मी मैया हो जा हमारी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। लाला जी एक मंडल बीड़ी का दे दो। कदे की पूछ ले ले। आया लेने ना जोत बत्ती, सुबेरे सुबेरे सारी दुकान सड़ा के धर दी। फिर सड़ा दिया। आज तो बहुत टाइट आई बोल रही है, लाला जी की तरह कम तोल रही है। अरे कम तोलने की किसे बोल रहा तू? ओए लाला एक मंडल दे दे बीड़ी का, नहीं तो काम में बहुत दुकान है। अरे तू लाला को दोष दे रहा, तेरे जैसे 356 आवे जा कहीं से भी ले ले। अरे लाला तुझे ना कह रहा मैं, तू बीड़ी का मंडल दे। लाला जी मैं तुम्हें ना कह रहा, तुम अपना काम करो, मुझे एक बीड़ी का मंडल दो। मैं तो अपने पिछले वाले को कह रहा। अब पीछे तो तेरा कोई भी ना, अब मेरी टोपी गिर गई। अरे लाला तू तो बावड़ा हो रहा, पीछे तो सबका हुए। मैं पागल हूँ या तू पागल है? दिखा कहाँ बोल रही है। देख यू बोल रही है। उल्लू का पट्टा नू क्या बोल रही है, यू तो फट रही है। साले ने पाद भी ऐसा मारा जैसा गुड़ और काला नमक खा के आया हो। ओ लाला क्या बोल रहा तू? चल गया पता क्या बोल रहा हूँ मैं। गाल पर भरका पड़ जा लाला जी, फिर तो अपने आप पता चल जा। अब तो गाल पर थप्पड़ लगी गया लाला, अब तो दे दे बीड़ी। तेरी माँ का आड़ू पेटी को। ओ लाला कैस करेगा इसकी गैल? देखना रहा मक्खी मार रहा हूँ। तेरा काम ही हो लाला मक्खी मारने का, पर बहुत बढ़िया है तू। अरे हम तो जो करे ठीक ही करे, तू बता के लेना आया। लाला लेता के, मैं तो तेरी गैल टाइम पास करना आया हूँ। अरे तू मेरा कुर्ता पाड़ेगा? अरे मेरे खोपड़ी के पे के सींग लग रहे, इन्हें देख के तू टाइम पास कराना आया। अब तू जावे या धरू तेरे में भी एक? लाला धरने की जरूरत ना है, मैं तो वो लेना आया, वो मतलब जो ते धोरे है ना। के ना मेरे धोरे? अरे लाला जी वो दे दो जो थारे पास ना है। रुक जा अभी दे रहा हूँ, हट। दूंगा तुझे, अजय ले ले। लाला बड़ा अजीब आदमी है, बड़ी कैडी मजाक करे। अरे मैं यू ना मांग रहा, मैं वो मांग रहा हूँ वो। मैं भी तो मजे में लेट रहा हूँ, अब तुझे जो लेना ले ले। अरे ओ लाला तू उल्टा ते सीधा हो के, हमें 10 रुपये की चाय पत्ती दे दे। हैं? चाय की पत्ती? चाय की पत्ती हूँ कह वो। हाँ सही तो कह। लाला समझ में तो आई तेरी, पर लेट आई। चाय की पत्ती ले वगा? अब लाया ले आ बांडे लाला। लाला जी कहाँ रह गए? आलिया 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 मेरे लाल, ला 10 रुपये दे। लाला 10 रुपये होते मैं तेरे से लेता, गांव में बधेरी दुकान है, खाते में लिख लिए। खाते में लिख लिए? अभी बॉडी भी ना हुई। अरे तू कैसा मछली की ढाल रपट रही? मैं क्यों रिपटती, आप रिपटा रहे हो, बुढ़ापे में भी जवान से लग रहे हो। देख भाई मेरी जवानी को बुढ़ापे का नाम देके मेरा दिल ना तोड़े। जवानी देख लो लेकिन एक पप्पू तो पैदा हुआ ना, बस की ना है कुछ भी। बस की ना कुछ भी, सारा काम तो मैं ही करूं। अब तू के चावे तेरा पेटीकोट भी मैं ही दूं, अयो काम मेरे बस की ना है। मैं पेटीकोट ना दुआरी, मुझे पप्पू चाहिए, पप्पू 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 चाहिए। अरे पप्पू भी मिल जाएगा, अब गांव वाले के कहेंगे ना कहवा कुछ भी। देख ले सारे गांव को पता चल गया, चल आज पप्पू ही पैदा होएगा। चल चल भीतर चल, चल तू चल, पप्पू ही दूंगा तुझे, चल पप्पू ही लिए आज। बहारो फूल बरसे दो,
मेरा महबूब आया है। रैपर धर दिया ना भजरे पे, अकल ठिकाने आ जाएगी। ठिकाने तो आ जाएगी, पर मैं नू कहूं था जी, पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले। ओ प्यार के मजनू, जानता ना कौन हूँ मैं, बुद्धि ने ठीक कर ले, मर मर आ जाएगा खामखा। बिना पीटे ना जावे ना जी, सवाल ही पैदा ना होता। आजा तुझे प्यारी कर लूं। अरे वाह मजनू, जब प्यार किया तो डरना का, चल अपनी आंखें बंद कर, तुझे पप्पी दूंगी तेरे गालों पे। आंख बंद कर लूं? बुद्धि ठीक करवा दूंगा अपने गुरु पे। अरे ओ गुरु, ओ गुरु। कहाँ पढ़ा तू? गुरु, गुरु, ओ गुरु। बस हद होगी, मारा गुरु भी कहीं ही सो जा। गुरु निकल जा, अर हो जा शुरू। अरे साले कौन समर रहा है, इतनी देर में तो नींद आई, पूरा कान पे चिल्ला रहा है, गुरु गुरु गुरु। बात सुनेगा तो नींद भाग जाएगी, चांद पे तो उतर आई। चांद पे से उतर आई है? अरे कौन आई है काले भसैन, ढंग में बता। गुरु हूर की परी, सुंदरी नागिन, पता नहीं और क्या क्या है, आप देखोगे ना बस देखते ही रह जाओगे। अच्छा इतनी सुंदर है, अगर मैंने कुछ तो सेटिंग ना करी ना तो मेरा भी नाम अजय ना है, और ये तो बता है कहाँ वो? गुरु वो लंबे रास्ते थे रामपाल के घर की ओड को गई वा। ठीक है मजाक तो ना कर रहा तू, अगर कालिया तने मेरे से मजाक करी होगी ना तेरी साले खाट खड़ी कर दूंगा। गुरु लुगाई कसम। ठीक है मैं देख रहा हूँ, अजी साले भावना हो तो खेल लाओ मेरी। गुरु वह तो आग बंद करके पप्पी देवेगी। दिखता ना तुझे? हैं? दिखता ना किसे कह रही है? तू ना मर्स के ही परेगू। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना? गुस्सा आ गया तो के कर लेगा तू मेरा? अगर इतनी बात में छोरा कह देता ना, साड़े के हाथ पांव तोड़ कर उसे हाथ में दे देता। अजय छोरियों पे हाथ नहीं उठाता। एक तो टक्कर मार दी, ऊपर से दादागिरी दिखा रहा। जा चुपके चली जा, अभी तेने देखी कहां है मेरी दादागिरी, और ना मैं तुझे दिखाना चाह रहा दादागिरी। मुझे देखनी भी ना, चली जा। जा रही हूँ। यार वाकई में नागिन है। यार धर्मा। हाँ भाई वर्मा। अरे देख मक्खानी मक्खाना है। अरे इस मक्खानी से पहले मैं चाटूंगा। अरे कहाँ चली? थोबड़े पे एक समार के मार दिया ना तो थोबड़ा बिगड़ जाएगा। ले मार, कुत्ते कमीन वाला के हम भी। अरे मार ले, मार पे कौन सा फर्क पड़ रहा, पर एक बार आई लव यू तो कह दे। कह दूं आई लव यू? छोड़िए रे। ले चाट ले, जर्की ने गाल पीसी। अरे उसने तो एक पप्पी धरी, मैं तो दो दो पप्पी लेकर छोड़ दूंगा। हा अब क्या हुआ? अब तो नमारी मैंने टक्कर है। अरे वो बात बाद में, मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े हुए हैं। फिर गुंडे पड़े तो मैं क्या करूं? तू तो नुकारा था, छोरियों पे हाथ नहीं उठाता, वो तो छोरे होंगे। बात तो अब भी कह रहा हूँ मैं, छोरियों पे हाथ उठाता ही ना हूँ मैं। अब दिखा उन पे दादागिरी। अच्छा दादागिरी वाली बात? अरे वो तो मैं मजाक कर रहा, मेरी मजाक करने की आदत है। अब तू मजाक कर रहा था? देख मैं गाँव का सीधा साधा बालक हूँ, लड़ाई झगड़े से तो बहुत दूर रहूं मैं। अब तू कहाँ चल दिया? अपने फुफाऊ से तो निमट ले। जा रहा हूँ उनके धोरे ही, देखो मेरे पिटेंगे या ना पिटेंगे। मारा मैं, साढ़े चुपचाप चला जा। अरे भैया मेरी तो मजाक करने की आदत है, ले जाओ तुम इसे, मुझे मुंह थोड़ी पिटवाना अपना। कैसा मर्द है तू? अरे मर्द तो नाम नाम का ही हूँ मैं बस। अच्छा भाई रिश्तेदारों मैं तो रहूं, जा और तुम ले जाओ उसे।
चल पप्पी देगा आई थी, पकड़ रहा इसका। अरे ओ रिश्तेदार, ऐसे ले जाएगा छोरियों को? आराम से लेके जावे ना, ये पिट के जावेगा। और ना जाऊं तो मार साले का। अरे रिश्तेदारों, मैं मजाक कर रहा था, तुमने खम्मा खां गुट मार दिया। अरे तुम्हें बताई तो ये मेरी मजाक करने की आदत है। साले ने लत्ते ही खराब कर दिए। आजा, आज मैं तेरी मजाक करने का छुटा दूंगा। मैं अपनी बातें बता रहा हूँ, जाके मुझे मार। देखी तुमने, ऐसी मजाक करूं मैं तो? बहुत बढ़िया, अब चल। कहाँ? जब कोई लड़का लड़की को गुंडों से बचावे तो उसे घर नहीं छोड़ के आता, फिल्मों में ना देखा तूने? हाँ देखा, चल छोड़ता हूँ। यो क्या तरीका, ऐसे छोड़ के आवेगा? और कैसे छोड़ता हूँ? प्यार से मेरा हाथ पकड़ और जब चल। अच्छा, ला पकड़ा हाथ। तेरी चढ़ती जवानी छोरी रे, छोरे ने ढट ढके देखे। तेरी चढ़ती जवानी छोरी रे, तेरे मन में बता दे कैसे। मन कर मन वन्नी छोरी रे, तेरे मन में बता दे कैसे। मन कर मन वन्नी छोरी रे। आपे देख लूं मेरी पैरियां निशानी छोरी रे, छोरे ने ढट ढके देखे। तेरी चढ़ती जवानी छोरी रे, तेरे मन में बता दे कैसे। मन कर मन मानी छोरी रे। जानती नहीं यार ने तू जानती नहीं, यार कर पहलवानी छोरी रे, छोरे ने ढट ढके देखे। तेरी चढ़ती जवानी छोरी रे, तेरे मन में बता दे कैसे। मन कर मन मानी छोरी रे। अरे कहाँ था तू? पता जैसे सारी जगह ढूंढी आई। अरे कहाँ के उत्तमा, मैं खेतों में चला गया घूमने के लिए। अभी वहां तो नजारा ही दूसरा हो रहा है, सारा जंगल में मंगल हो रहा है। था? हाँ। अरे मंगल हो रहा था वहाँ, फिर लड़ाई झगड़ा कर आया थी क्या कहीं? अरे माँ लड़ाई तो होगी, जब सारे खेतों में लोंडिया छेड़ेंगे तो पिटेंगे तो है ही। मैं
अरे किसकी लोंडिया थी? मायू पता नहीं किसकी लोंडिया ही, पर जिसकी भी लोंडिया ही ना ही वो सुतरी मोटी मोटी आंखी माँ, ऐसा लग रहा है जैसे हूर की परी उतर के आई हो। अरे माँ ऐसे कैसे देख रही है हंस हंस के? मोटी मोटी अंक वाली को। अरे माँ अब तो गई वा, अब ना आने की है। अगर माँ तुझे एक बार देख लेती ना तो जब ही ठान लेती कि बहू उसे ही बनाना। अरे बहू तो लाला ही भी बना लूंगी मैं उसे ही। अरे माँ अब तो गई वा, अब के मिल रही है वो। चल एक काम कर तू, वो सब्जी ठाला मैं सब्जी बना लूंगी। ठीक है ला रहा हूँ। बैठ जा। पिताजी नमस्ते। नमस्ते, भगवान तुझे खुश रखे बेटी। बेटी आने में देर कर दी? हाँ माँ, वो रास्ते में कुछ गुंडे मिल गए थे। क्या गुंडे मिल गए? हाँ मम्मी, तुम टेंशन मत लो, मैंने उन्हें मार मार के धूल चटा दी। देखा आखिर बेटी किसकी है? हाँ देखा बेटी किसकी है। आए बड़े बेटी वाले। भाई कोई कुछ भी कहे, बेटी तो आखिर मुझ पे गई है। चुप हो जाओ, बेटी मुझ पर गई है। अच्छा तुम दोनों झगड़ा मत करो, मैं तुम दोनों पे गई हूँ। चल बेटा मुँह हाथ धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगाती हूँ, तू खाना खा ले। हाँ माँ भूख तो बहुत तेज लग रही, और आज तो माँ का हाथ का खाना मिलेगा, भूख और बढ़ेगी। ए लाली तू एक बात तो बता, अब तू कौन से दर्जे में पढ़ रही, दो में या तीन में? पिताजी मैंने BA पास कर लिया, अब टेंशन मत लो, जल्दी नौकरी मिल जाएगी, फिर तुम दोनों को काम ही ना करना पड़े। और के लाली मैं घास खोद दूंगा काम ना करूंगा तो? नहीं पिताजी, अब तक तुमने बहुत मेहनत की है, अब काम मैं करूंगी। चुप हो जा, सासु के जाकर कर लिए काम, आई काम करने वाली। बेटियां अपने घर ही अच्छी लगती है बेटियां। अरे माँ भूख लग रही। चल मैं तो बातों बातों में भूल ही गई, चल बेटा। पिताजी चलो तुम भी, आज सब संग संग खाना खाएंगे बड़े दिनों के बाद। ठीक है बेटा। राम 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 तोड़ दिया लाला का गोटा। तन्ने लाला का गोटा फोड़ दिया, फोड़ दूंगा मैं तुझे भी, फूटगी लाला का गोटा फोड़ दिया। अरे ओए लाला, अरे यू क्या करा तन्ने? अरे तन्ने यू ईट फोड़ दी, अरे यू तो बहुत महंगी है। महंगी है ऐसा के यार सोने के अंडे देवे है। अरे यू ईट 100 के 200 के 400 के 800 के 1600 देवे। अरे मैं नू कहूं लाला, तू के बात कर रहा यू? अरे मैं बकबक ना कर रहा, मैं सही कह रहा हूँ। अरे मैं नू कहूं बकावे मत ना। अरे मैं नू कहूं तू लाला लालम लाल को पागल समझ रहा? अरे सुन तो लाला पागल है भाई, वो वाली ईट एक और दे दे मुझे। ले जा यूरी। लो 500 की ना आयू, यू ओनली एक ईट बच रही है, 1000 रुपये की लगेगी। 1000 की? हाँ। ले भाई 500 और ले। ले जा दे वो पड़ी। एक ईट और दे दे नोट छापने वाली। पूरे कुदे। अरे मैं नू कहूं मैं रुपए दू तुझे 1500 पर ईट मैं लूंगा। मेरी ओर से लाला जी कोई भी लो, मुझे तो पैसे से मतलब है। ठीक है लाला, ईट मेरी और रुपए तेरे। भाई मैं दे 2000 रुपए पर ईट ना दू। मैं नू कहूं मैं 2500 दे दूंगा। भाई मैं दे 3000 रुपए पर ईट मेरी। अरे मुझे जोर से पैसे ज्यादा देगा, मैं तो ईट उसे दूंगा। अच्छा यह बात है, मैं तुझे 3500 दूंगा और वो भी दूंगा। अरे लाला तने तो दिल खुश कर दिया। तो चला फिर। अरे लाला के देख रहा तू, यू नोट छापने की मशीन है, इसे ले जाके खुश हो जाएगा, सेठानी भी न्यू कहेगी कहाँ तला आज से। मैं नू कहूँ क्या बात है? हाँ तू आ जा दुकान पे, को मैं तुझे रुपए वहीं दे दूंगा। चल मैं आ रहा हूँ। ठीक है तू आ जा।
पर यो लाला की साला कितनी बावड़ी पूछ है। बताओ ईट के 35 रुपया देगा हमें पर के बड़े भागे। ए मैया मेरे पैसों को डबल कर दे, मेरे पैसों को डबल कर दे। तेरे करूं मैं लाला 1500 के 3000 साढ़े बीट को मारेगा चाचा सिर में। मेरे पैसों को डबल कर दे ए मैया, 1500 के 3000 कर दे ए मैया, 500 के डबल कर दे, 500 के डबल कर दे मैया, ए मेरी मैया 500 के डबल कर दे मेरी मैया, मैया पैसे डबल कर दे। पंद्रह सौ हो गए। ए मैया इन 1500 के 3000 कर दे। हे मैया हे राम, हे मैया 1500 के 3000 कर दे। फिर तो लाला के मजे आ जाएंगे। मैया 1500 के 3000 कर दे, मैया 3000 कर दे, मैया 3000 कर दे 1500 के। मेरे पैसे कहाँ गए? मेरे सारे पैसे खा गई, सारे पैसे खा गई। लाला बर्बाद कर दिया, सारे पैसे खा गई, मेरे पैसे दे। ईट में ठोकर मार रहे हो, पागल हो गई क्या? और मैं कहूं लाला बर्बाद हो गया, इस ईट ने हगड़ा बंद कर दिया, अब मेरे रुपए खा गई। मेरी कुछ समझ में ना रहा, क्या हो गया लाला जी? और मैं कहूं यह ईट 100 के 200, 200 के 400, 400 के 800 और 800 के 1600 और 1600 के 3200 करे थी, या मेरे सारे रुपए खा गई, मैं क्या करूं? अरे तेरी बुद्धि खराब होगी लाला, तुमने सारे पैसों में आग लगा दी, तुझे लाला किन्ने बना दिया? अब मैं कह रहा एक तो मैं बर्बाद हो गया, ऊपर तो तू आग लगा रही। अरे तू हग दे एक बार। नोटो का बुखार, मैं उतारूंगी तेरा बुखार, अगर पीट के तेरी धोती लतार दी ना, मैं नब सितानी नहीं। चल ऊपर को। अरे माँ, अरे माँ, अरे अभी तक तंदूर रोटी ना बनाई है, तो आटा मांड रही है। टीवी बना रही हूँ बेटा, और तू था कहाँ? अरे मैं कहाँ होता, मैं तो बाग में गया घूमने, यह मोटे मोटे अमरूद लग रहे। अरे दो तीन अमरूद बेटा मेरे लिए भी ले आता। अरे माँ मैं ले तो आता, पर पेड़ पे कौन चढ़ता? पेड़ पे चढ़ने में अड़कस आवे। खाने में तो ना आता अड़कस तुझे? माँ खाने में क्यों आता अड़कस? पके हुए अमरूद है, कोई तोड़ के ला दे, गैल खा लूंगा, जैसा तू रोटी बना रही है इन्हें खा लूंगा। जा, ज्यादा ना बोला, रुंडा मुर्गा को बैठा ले। हैं? मैं गोबर बैठाऊंगा? और क्या बैठाऊंगी? अरे माँ कल तो ठाया गोबर है, मुझे लगे इस भैंस के भी दस्त लग रहे हैं। अरे बेटा ढंग तो ठा दिया गोबर, सफाई तो जब ना सानी भी कर दिए। अरे माँ तू एक काम करना, गोबर तो तू उठा ले और मैं रोटी बना दूंगा। बनवाओ रोटी भी तेरे पे, बनाने वाली भी आ जाएगी। मेरे बस की ना गोबर ऊपर उठाना, मुझे तो बदबू आवे उसमें। दूध में तो ना आती होगी तो जब बदबू है, और मुझे रोटी में तो आवे। राज बेटा। हाँ पिताजी। जी पिताजी। बेटा राज। जी पिताजी। राजपाल की बेटी रानी आ चुकी है। पिताजी मुझे कल धर्मा ने बताया था। इससे पहले राजपाल अपनी बात से मुकर जाए, मैं उससे तेरी शादी की बात पक्की कर लूं। जैसे तुम्हें अच्छा लगे पिताजी। चल बेटा एक बार राजपाल से बात करके देख लेते हैं। चलो पिताजी। ड्राइवर कहाँ है? पिताजी घर गया, शाम को आएगा। अरे यार उसे भी ऐसे टाइम पे जाना था। चल दूरी कितनी है, पैदल चलते हैं। चलो।
चौधरी साहब राम राम। राम राम जी राम राम। आओ जी बैठो। रानी की माँ, अरे ओ रानी की माँ। अजी आ रही हूँ। चौधरी साहब आप क्यों परेशान हुई है, मुझे बुलवा लेते। राम राम भाई साहब। राम राम समधन जी। और भाई साहब सब ठीक ठाक? बस दया है राम की। रानी बेटा पानी ले ये जरा। और सुनाओ राजपाल जी। बस दया दृष्टि है जी। लो जी पानी लो। राजपाल जी बेटी की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, अब तो काम निपटाओ। राजपाल जी बेटी पढ़ लिख ली, काम खत्म करो। चौधरी साहब मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ आप कहना क्या चाह रहे हो। राजपाल जी परेशान मत हो आप, मैं कह रहा हूँ आपकी बेटी जवान हो चुकी है, हाथ पीले करवा दो और गंगा जी नहा लो। बात तो आप ठीक कह रहे हो भाई साहब, पर ब्याह में खर्च करने का अभी हमारा बजट नहीं है। तुम चिंता क्यों करते हो? किसके बजट के लिए मैं बैठा हूँ? ब्याह में जितना भी पैसा लगेगा सारा मैं खर्च करूंगा मैं। चौधरी साहब ये सब बात तो ठीक है, पर मुझे रानी से भी तो बात करनी। इसका मतलब इसने मने कर दी तो तुम ब्याह की टाल करोगे? बेशक अगर ये मने करेगी तो हम ब्याह के लिए हाँ नहीं करेंगे। राजपाल जी बात को बिगाड़ो मत। ब्याह मेरा होना और पिताजी मैं ना करी ब्याह। ठीक है बेटा तू चुप कर, इस बात का फैसला कल करें। पिताजी ब्याह मेरा होना और मैं ना कर रही ब्याह, मैं लगवाऊंगी पहले अपनी नौकरी। बेटा तुम्हें नौकरी की क्या जरूरत है, इतना बड़ा घर है, घर में चार चार नौकर है और तुम नौकरी की बात कर रही हो। तुम्हारी बात ठीक है अंकल, लेकिन मुझे अपने पैरों पे खड़ा होना है, वो भी अपनी मेहनत से। देख ले राजपाल मैं दोनों काम करने जानता हूँ, राज्य राज्य गैर राज्य भी करना जानता हूँ। चलो बेटा। चलो पिताजी। पिताजी तुम टेंशन मत लो, भारत का कानून अभी जिंदा है, देखेंगे इन्हें भी। आओ डार्लिंग, अरे रोटी ले आ, जल्दी ले आ, भूख लग रही। आज तो बहुत अच्छी दुकानदारी हुई, सुबह सुबह बहुत बढ़िया मुहूर्त हुआ। ये जूती हाथ में क्यों पकड़ रखी है? अले अरे बुद्धि नाम की चीज ही ना, अगर मैं इन्हें पैर के आता तो ये घिस ना जाती, नुकसान होता या नहीं होता? हे भगवान कैसे कंजूस पलने पड़ गया। अरे मैं नू कहूं कंजूस न कहवे, न तो तेरा मुंह छेद दूं। अरे रुक जाए भी, रुक जा लठ लाऊं काट के, अब रुक जा थमी रो। अब बोलिए फालतू मुंह छेदता का तू मेरा छेदिए। अरे ना तू तो नाराज होगी, अब मैं तो मजाक कर रहा। मैं भी तो मजाक कर रही थी, आप सच में डर गए। अरे वो तो मुझे पता तू मजाक कर रही, अब मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। चल रोटी खाओगे। हे भगवान तू ना चलन दे इस घर को, रोटी की जगह इतना गुड़ लाने की क्या जरूरत थी। अब मैं नू कहूं ऐसा काम ना चले करता। देखिए कितना सारा गुड़ लाई, बिल्कुल सेहत सी हो रही है रोटी। ले इस गुड़ को भीतर दे दिया। हे भगवान इसे बचा कर कहां लेकर जाऊंगा। अरे मैं नू कहूं यू दुकान पे बिक जाएगा, तुझे पता ना पैसा ऐसे ही ना कमाया जाता। हे भगवान यू कैसे कंजूस पल्ले पड़ गया, दुकान पे बिक जाओगा। लाला जी राम राम। राम राम। लाला जी के खा रहे हो दोनों चुपके चुपके? तरबूज खा रहे पपीते के संग, आज तू भी खा ले। यू कैसा पपीता, यू तो पहली बार देखा मैंने। और लाला जी रोटी भी सुखी खा रहे हो, तब इस पैसे को छाती पे धर के ले जाओगे के? अरे मैं नू कहूं मैंने पनीर की सब्जी बनवा रखी थी और वह खत्म होगी,
मन्ने सोचा इसे एक रोटी का के बचाऊं, इसे सुक्की खा लूं। ठीक कह रहे हो लाला जी, खाओ इन सुक्की रोटियों को। तुम एक काम करो, दुकान पे चलो मेरी गैल, मुझे चीनी, चाय पत्ती, हल्दी, नमक, मिर्च सारी चीज दे दो। अरे मैं नुकू लाला, तू तो आज बहुत सारा सौदा लेने आया सिठानी, अलग तू यार रोटी खा, बिल्कुल सेहत सी मिट्टी हो रही। और सुन, सांझ को सब्जी ना बनाइए, मैं शाही पनीर लेके आऊंगा। अलाला अ तू चल, अ मैं जुत्ती ठाके चलूं। अ चल लाला, यहां गेज ले पाड़ा। यू लावा क्रम चला शाही पनीर, इसे पता नहीं रात को नींद आवे नहीं आती। हां यू बता, तूने बुलाया काहे को हमें? मैं यूं कह रही थी, अगर मेरा ब्याह किसी और से हो गया तो इस साले को अपनी सिकल का हुड़िया बिगड़वाना होना तेरे से, तेरे तो वो ब्याह करेगा। तू हर वक्त मजाक के मूड में रहवे, यहां आफत आ रही है। कल कोई धर्मपाल नाम का आदमी मेरे पापा को धमकी दे के गया मेरे ब्याह की। धमकी? ऐसी तैसी साड़ों की धमकी देने वालों की? न्यू कह रहा मेरा ब्याह करवा देगा अपने छोरे से जबरदस्ती। अजी मेरा घंटा, जबरदस्ती करवा देगा वो? ब्याह राज्य से हो गया, गया राज्य से न होता, और मैं उनका भी बाप हूँ। यार मुझे बहुत डर लग रहा। तुझे मेरे पे भरोसा ना है? भरोसा तो बतेरा, तेरे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। तो ठीक है, तू एक काम कर, कल अपने पिताजी से मिलवा मुझे, चल खड़ी हो। क्या की बात कर रहे, रामा चौधरी साहब की बुराई कर रहे, कोई साथ भी जाके बताऊंगा। राम 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 राम। अरे मैंने कहूं सुना के आदमी की औलाद पकड़ लिया तू ये ना, जो मेरे पास लाख के बैग तो देगा भगा। अरे मैं कहूं तेरा दिमाग खराब है के, तूने तेरा 5 लाख का बैग ना चुराया? तन्ने मेरे 5 लाख का बैग चुराया? अरे मैं कहूं क्या कर रहा तू? अरे मैं कहा मान जा। अरे मैं कहूं धोती खुल जाएगी मेरी। अरे मैं कहूं मेरी गलती होगी तो मैंने तुझे आवाज मार दी, अरे मेरी धोती खुल जाएगी। अरनू कह रहा तुमने मेरा 5 लाख का बैग चुरा लिया, अरे तुझे मैं सिकलता चोर नजर आऊं के भाई। अरे कुछ ना कह रहा, अरे छोड़ दो सही से, अरे छोड़ से। अरे मैंने कह रहा देखिए देखिए, अरे छोड़ दे, अरे छोड़ दे भाई। अरे मैं तुझे चोर नजर आऊं के, देखिए ना भाई ना, ईंट ना मारिए, नहीं तो मैं थाने में तेरी रपट लिखवा दूं, थाने में रपट लिखवा दूं। अक्यू लाला का ईंट मारे। अरे मैं नुका पकड़ ले उसे, ईंट ना मारे, अरे नुका नाक हो जाएगा। अरे भाई, अरे भाई तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे लाला डरने की बात ना है, यू सुसरा पागल है। ए पागल है यू? अरे मैं नुको जो मेरे ईंट मार देता यू। अरे यू तेरा ईट वीट हमारा लाला बताता रहा हूँ, यू पागल है। अच्छा अरे मैं कहूँ तन्ने ठीक करा, मेरी तो पीछे वाली भी गिल्ली होती होती बच गई। अरे मैं कहूँ अनु के मैं डर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। तेरा ससुरा पांडा बेटा राज। पिताजी अगर इस प्रधानी के नाव के लिए 10-5 खून करने पड़ जाए तो तुम कर देना। पिताजी प्रधानी के इलेक्शन के लिए तुम 10-5 खून की बात करते हो, प्रधानी के इलेक्शन के लिए तो हम 100-200 भी खून कर सकते हैं। शाबाश मोदी साहब, खून बाद में कर लियो, पहले अपनी नाक की बचा लो। क्या बात कर रहा है? जिस लड़की का रिश्ता राज के संग हुआ था ना, उस लड़की को हमने जोर के संग देखा रंगरेलिया बनाते हुए। चुप हो जाओ। पिताजी मामला फेल ना हो जाए। धर्मपाल ने कभी कच्ची गोटियां नहीं खेली, अगर चुनाव का दौर ना होता तो वो लड़की अब तक तेरे गले में माला डाल चुकी होती। पिताजी कभी कुछ भी ना मिला है, हम भी देखते रह जा। तुम कहो तो आज थालावा छोरी को ना,
अगर उठवानी होती तो कब की उठवा लेता। उसे तो मैं बैंड बाजे के साथ लाऊंगा। ठीक है चौधरी जी, हम चुनाव की तैयारी करते हैं। जाओ बेटा राज। जी पिताजी। तू घबरा मत, तेरा बाप अभी जिंदा है। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, वो दुश्मन जमाना मुझे ना भुलाना, मैं खुद को मिटा दूंगा। क्यों मिटा दूंगा? मिटाना भी नहीं है, मैं खुद को भुला दूंगा। नहीं भुलाना भी नहीं, मैं खुद को बिछा दूंगा तेरी चाहत। क्या बात है, पूरे कुमार सानू रे। अरे मैं नू कहूं, कुमार सानू को तो मैंने सिखाया गा ना। अच्छा हाँ। क्या बात है, अखबार में फोटो छपी पड़ी है, जिन्हें गधे की आवाज में गाना गवाना हो ना वो इनसे मिले। अरे मैं नू कहूं, इतनी तारीफ ना करे नहीं तो मेरा दिल का दौरा पड़ जाएगा। राम राम। राम राम। अरे मैं कह रहा, अब देखिए अयू मजे ताऊ कह रहा। हमने कहेगा बेटा कहेगा, चल खड़ा हो जा, दुकान पे चीनी ला दे, मुझे चाय बनानी। अरे मैं कहूँ, परसों तो मैं रामपाल के घर से चाय लाया हा, है वह कहाँ चली गई? अभी तो वह दो चार दिन चलती। उस परसों वाली को तू पी लिए, मैं ना पीने की। इसकी सुन लो। अरे मैं कहूँ, जब वो चाय ही उसे ही गर्म कर ले ही, जो पी जाएगी उसे पी लेंगे, बाकी ठाके धर देंगे वो फिर काम आ जाएगी। तेरी तो चिन्नी बजेगी, पत्ती बजेगी, तुझे कती शर्म ना। अरे मैं कहूँ, इसमें शर्म की कौन सी बात है, जो बच जाएगा वो पप्पू के काम आ जाएगा। अरे करम जिले, तेरे पे एक पप्पू तो पैदा हुआ ना, चिन्नी चाप जा के धार कर देगा। अरे मैं कहूँ, मेरे पे पप्पू पैदा ना हुआ तो ये मोहल्ले वाले कहाँ जाओगे? अरे गाड़ी किसी की भी हो, नाम तो मेरा ही होगा। और मैं कहूँ, पप्पू पैदा नहीं होता तो ये मोहल्ले वाले मर गए। अरे मैं कहूँ, हाथी घूमे गाँव गाँव, नाम तो हाथी वाले का ही होगा। अरे गाड़ी कोई भी चलाओ, क्लेम तो मेरे पे आओगा। कह रहे कुछ तो कुछ होता ना, मोहल्ले वाले की बात करे ते तो मैं ठोकूंगी। अरे मका सिटानी मान जा, अरे मान जा, अरे मान जा, अरे मत ना मारे, अरे रुक जा रुक जा, अरे 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 मेरे, अरे सुन तो ले, सुन ले। अरे मैं कहूँ, नाराज मत हो, मेरी बात मान, पप्पू भी पैदा हो जाएगा। हैं मेरे जिगर का चल्ला, तू मेरी जान है, तेरे ऊपर तो पप्पू दो दो कुर्बान है। राजपति तेरा ही नाम है क्या? हाँ मेरा ही नाम है राजपति, आओ बैठो। बैठने नहीं, समझाने आया हूँ, और बार बार मुझे समझाने की आदत नहीं है। धमकी देने आए हो, समझाने आए हो? दोनों एक साथ, समझाने भी और धमकी देने भी। चलो पहले समझाई दो, धमकी बाद में दे दियो। समझाने से समझ जा, तेरा बेटा है ना राजपाल की छोरी के पीछे पीछे डोलता फिर है, उससे कह दे उसके पीछे घूमना छोड़ दे, वरना। पहली बात तो अजय रानी से प्यार करता है, वो उसके पीछे पीछे नहीं घूमता। जो भी है बंद कर दे। और एक बात सुन, उसे ब्याह करके हम बहुत जल्दी में अपने घर ला रहे। बुढ़िया। अरे माँ कौन है ये? तेरे प्यार के दुश्मन। अरे माँ ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो रिश्तेदार हैं, इन्हें बैठा चाय पानी बना और तू रोटी बना लिए, अब आप आके बात करेंगे रिश्तेदार होते। गणा ना बोल ले, एक्टिंग मत दिखावे। अरे एक्टिंग देखने को रहने दे, क्यों इन हड्डों को तुड़वावे? बड़ा घमंड है तुझे अपनी ताकत पे। अरे बुड्ढे घमंड तो पागल कर रहे हैं, जैसे तू कर रहा पिल्लों को साथ में लेके। देखते क्या हो, मारो इसे।
अरे बुड्ढे देख ली ताकत है साले मुन्ने को आया नहीं पिल्लों को लेके। अरे माँ तू सालों का मार मार के सन्ना तार देती तेरे खामा खामा ही नींद खराब करी है। अरे दोबारा सो जा। साले ना वरवर के पहला। अरे मेरा तो पूला भी टूट गया दिखे भाई। धड़ी धड़ी के हाथ मेरा दांत भी ऐसा हो रहा भाई। अरे मेरा तो हाथ भी टूट गया दिखे भाई। चौधरी से कहते तनका बड़ा हो तो ठीक है अन्य मारे बस की ना इतने में काम करना। दुकान तो देख वारी देख वहां खुल रही वहां तो ले गए। मंगल भवन अमंगल हारी लक्ष्मी मैया हो जामहारी राम। अरे बुड्ढे एक मंडल दे दिए। अरे मैं नुकाऊ तुझे बोलने की तमीज ना अपने माँ बाप से भी उक्कर ही बोल रहे हैं। मारने साले के तुम साला लाला को मारोगे। अरे मारोगे। अरे धोती ना पकड़ो। अरे धोती ना खोलो मेरी धोती। अरे धोती छोड़ धोती। अरे धोती। अरे मार जा। अरे मार जा लाला मार जा मार जा मार जा ले। देखा सी टाणी साड़ू को बोलने की तमीज ना अपने माँ बाप तभी उक्कर ही बोलते होंगे। ठीक कह रहा तो सिटाणी अतन्ना की अपने मुलायम मुलायम हाथ तू कष्ट दिया उन्हें तो मैं केला ही पीट का भगा देता। मर्द बाप के ना मर्द मैं ना तीना तेरे मुंह पर सरसों सी बो देते। ऐसी टाणी अब मैं नू कहूँ यह बात तो घर हो जाती कि उस सारे बाजार में मेरी इज्जत की धज्जी उड़ारी। और वैसे भी तेरे गांव में तेरी इज्जत के घंटे से लग रहे। अरे देख ले अब फिर नू कहेगी अकलाला जी तो नू नू कहवे। कहते कहते कहने में कुछ चुका है। अरे मैं नू कहूँ डार्लिंग आई लव यू इंग्लिश में। हाय मैं मर जाऊँ जिस दिन से शादी हुई ना तुमने पहली बार बोला है आई लव यू इंग्लिश में। वार ना करे आज तो पप्पू पैदा हो ही जावेगा। कहाँ चलूं? अरे मैं नू कहूँ घर चल और कहाँ चले आज तो पप्पू ही पैदा करना चल। मैं तो नू कहूँ दुकान बंद कर दो। अरे मैं नू कहूँ सिटानी दुकान गई तेल लेने आज तो पप्पू ही पैदा होगा चल। चौधरी साहब 10,000 में हमारा काम नहीं चलता 15,000 दो तो ठीक है। चौधरी साहब 10,000 में अपनी हड्डी नहीं तोड़वानी। ठीक है मैंने तुम्हारे 5,000 रुपए और बढ़ाए लेकिन एक काम करो राजपाल की बेटी को उठाकर रानी को मेरे पुराने अड्डे पे पहुंचाओ। ठीक है चौधरी साहब। अब आएगा मजा राजपाल से अपनी टक्कर लेने का मजा। पिताजी ये अजय है जिसके बारे में आपको बताया था। बैठ भाई। तुम बैठो मैं पानी लेके आ रही हूँ। राम राम जी। राम राम बेटा नाम कह तेरा। जी मेरा नाम अजय है। बहुत बढ़िया। देख बेटा ज्यादा बात तो मेरे पे कहनी सुननी आती ना। बस जी मैं भी ऐसा ही हूँ सीधा साधा सा। वैसे कहाँ रहते हो बेटा? जी बागपत रहता हूँ बिचपड़ी गाँव है मेरा। लो पानी। पानी पियो। वैसे करते क्या हो बेटा? पढ़ लिख तो रहे हो? कौन सी क्लास में हो बेटा? जमीन ममीन तो ठीक है कितनी है? और घर में कौन कौन है? अरे लड़ाई झगड़ा तो ना करता किसी से? गांव तो बागपत में ही था रहा। तो बागपत का डीएम कौन है? बागपत का एसपी कौन है? सोनीपत का बता दे सोनीपत का डीएम कौन है? अच्छा लाला बिच पड़ी कहा तू? कितनी लंबाई है तेरी? अरे वजन कितना तेरे में? बीड़ी बीड़ी तो ना पीता? अरे शराब तो ना पीता? जमीन कितनी बेटा थारा? पापा के घर है तेरे? स्कूल में तो जाया कर था? उलाना उलाना तो नहीं आता तेरा कोई? अच्छा बागपत तो दिल्ली में जाता होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? हरियाणा के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? पिताजी आप भारत की इतिहास पूछ रहे हो या इनके घर की बात? अजी मेरी जनरल नॉलेज तो ठीक है
अगर थारे सवाल खत्म हो गए हो तो मैं इस पानी को पूरा पी लूं। पी ले बेटा, पी ले, पानी पी ले। अच्छा जी ठीक है, अब चले जी, मेरी माँ इंतजार कर रही होगी। अच्छा लाली जा इसे छोड़ का। कैसा रहा मेरे पापा का इंटरव्यू? कैसा रहा? सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। तेरा बाप है इंक्वायरी ऑफिसर है यू? बुढ़ा कहीं का? बुढ़ा किसे कह रहा तू? मैं तेरे पिताजी को ना कह रहा, मैं तो अपने ससुर को कह रहा हूँ। चल आ तुझे छोड़ के आऊँ, आजा अपना घर है। रानी बेटा खाना ले, मुझे कहीं जाना। चल खाना वाला होटल में खा लिए देर हो रही। क्या बदतमीजी है? बदतमीजी बता दिया, तेरी वजह से हमारा भाई रेडो बैठा। अब तो खाना बढ़िया वाला खाओगे। आप ठीक हो ना? मैं तो ठीक हूँ। रानी कहाँ है? रानी, मैं रानी को देखो। ये तो रानी है, अजय भाई को अभी जाकर बताता हूँ। बेटा चुनाव तो हम हार ही गए। हाँ पापा। लेकिन जो हमें खानदानी चीज मिली हुई है अपने परिवार से, गुंडागर्दी की, उसे थोड़ा ही छोड़ देंगे। पापा आज तो क्या करवा के ही मानोगे अब तो? बिल्कुल बेटा, अगर तेरा ब्याह होगा तो रानी के साथ ही होगा। पापा उसके बगैर मैं जी नहीं सकता। तो चिंता क्यों करता है मेरे बेटे, तेरा ब्याह होगा, आज ही होगा और इसी वक्त होगा। चल मेरे चलो साथ। पापा। और मैं लुकाऊं? अब मैं रपटन लग रहा और तू खड़ी खड़ी देख रही, अब मैं लुकाऊं हंगा लगा दे? जब तेरे बस की पहाड़ों पे चढ़ना नहीं था वहीं पड़ा रहता। और मैं लुकाऊं हंगा लगा दे? और मैं फिर रपट गया और मैं कह रहा तू हंगा लगा दे? लगा जोर से लगा, लगा हंगा लगा लगा धक्का मार पीछे से। देख छोरी, या तो सीधे सीधे मेरे बेटे के साथ ब्याह कर ले, नहीं तो जबरदस्ती तेरा ब्याह करवा दूंगा। दिन में तारे देखना मूर्खों का काम है। तो मुझे मूर्खी मान ले।
अभी थोड़ी देर और हंस ले, उसके बाद तेरी हंसी गायब हो जाएगी। इसका मतलब तू राज से नहीं मानेगी, मुझे उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। उंगली टेढ़ी कर या सीधी, ब्याह तो मैं जब भी ना करूं। मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बहू के साथ कोई बदतमीजी करे। बदतमीजी के अलावा तू कर भी क्या सके? हमसे पंगा लेगी तो पछताना पड़ेगा। इसका मतलब तू मानेगी नहीं। पंडित किस टाइम आएगा? पंडित तो आने वाला है। वो आ गया पंडित। आ लिया पंडित। ओए हाथ पर साड़े का हिल गया ना, तेरा गोली मार दूंगा। ओए चुपड़ू, इसे रानी खोलिए। हट हट बच्चा, हट। अरे खड़े यहाँ, सीधा हो। तू इसे छुड़ा तो लेगा, लेकिन यहाँ से जिंदा बच के कैसे जाएगा? अरे ओ डडियाले, यह तो बात की बात है। भाई छोड़ दे, मजा ना करना ब्याह। ओ भाई आ, तू रुक ना साले बन सजन, तुझे और तेरे बाप को पहले चाहिए दुल्हन। इज्जत बचाई, लाज राख दी मारी, तो तेरे से बढ़िया छोरा हमें इस लड़की के लिए कहीं नहीं मिलेगा। आज से हम इसे तेरे हाथ सौंपते हैं। अरे मैं कहूं चौधरी, अरे मैं कहूं ये छोरा तो बहुत बढ़िया, इनने मुझे कई बार मरने से बचाया और इसे भी मरने से कई बार बचाया। चौधरन, आज से हमारे घर की लाज तेरे हाथ में है। ठीक है चौधरी साहब, आज से हमारी बहूनी बेटी है। जी अब तुम जानो तुम्हारा काम। ठीक है, अब तक घुसा तो। अरे मैं कहूँ सुनो, अरे मैं कहूँ लाला, जब तेरा बालक पैदा हो हमें दे दो, और मेरी सिटाने का आज लो पप्पू पैदा ना हुआ। हमें